आप कहाँ रह गई थी अतुल साहब आपके इंतजार में? जानती है मैं कितना परेशान हो गई थी। कहो क्या चाहती हो नाजान? जाहिद को सब कुछ पता चल गया है, मेरा शौहर मुझसे दूर हो गया है। माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपके लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती। होश करो, तुम्हें कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कोई बेवकूफी मत करना, नहीं पकड़वाएगा तुम्हें जाहिद। क्या मतलब मुझे? क्या आपको हमें नहीं कहना चाहिए था? इस मसले में आपने मुझे फंसाया अतुल साहिबा। मेरे पास पहले ही बहुत सारे मसले हैं और अब मैं तुम्हारे ख्वाब से नहीं निमट सकती। जो भी मसला है जाओ और नैयर के साथ हल करो। जो कुछ हुआ उसी की गलती की वजह से हुआ, अब वो अपने मुंह बंद रखे तो बेहतर है। नहीं नहीं, आपको किसी का खौफ नहीं है ना? क्या आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? अल्लाह के वास्ते कुछ तो खौफ करें, अगर वो पागल हमारे पीछे पड़ गया तो? देखो तुम खुद जानती हो नाजान, वो सिर्फ एक पागल है। मैं दूसरों के लिए एक पागल से क्यों उलझूं? वाह, यहाँ तो चैंपियंस लीग चल रही है, हर तरफ कोजांस हैं। सबको मेरा सलाम, सबसे आगे अली कोजान, कोजान खानदान का सरबरा। नैला, बतूल से कहो कॉफी बनाए। मुझे तो कॉफी से होश आ जाएगा, लेकिन आपा को होश में लाने के लिए क्या पिलाएंगे? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, यहाँ से चले जाओ सिना। सिना, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ आपा, मैं भी पूरी रात अस्पताल में यही सवाल करता रहा था, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ से चलो सिना। अम्मी, छोड़े मुझे। अम्मी ये क्या कह रहा है? मामू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरी छोटी सी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह, नूर भी यहाँ बैठी है। सिनान, आओ जरा मैं तुम्हें ताजी हवा खिला कर लाता हूँ। हवा लेने चले ताकि मेरी आपा को होश ना आ जाए, है ना? 3 साल हो गए, 3 साल सुलाने के बाद इनको दोबारा सुलाना चाहते हैं आप? सिनान, क्या बोले जा रहे हो ये तुम? झूठ है, सच सुनने की हिम्मत नहीं? अली कोजान, पहले तुम खुद को संभालो और मजीद तकलीफें देना बंद करो। बंद कर दो ये अच्छाई का ड्रामा, इसको मजीद टॉर्चर देना बंद कर दो। मैं भी ये ड्रामा देख देख कर थक गया हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता।